क्या बीवी मिली है इसे? एकदम सही करा भाई, किस्मत वाला है किशन। अरे एकदम नगीना लेके आया है यार, सच में यार। भगवान आओ बैठो ना। दूध दे दो, बहुत प्यासा हूँ। क्या हुआ, खटमल काट गया क्या? अरे नहीं, आप तो हमें भूल ही गए, पूरा का पूरा दूध पी लिए। सॉरी सॉरी, पहली बार शादी हुई ना इसलिए। मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अरे अरे नहीं, लोग क्या सोचेंगे, बैठिए ना। आप बैठिए ना। घूंघट उठाने में देरी क्यों? ये तो आपका काम है जी, आज तो कनेक्शन जोड़ना ही पड़ेगा जी। हम प्लम्बर है ना, तो लोगों के घरों में जा जाके प्लम्बिंग का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर हो। हेलो, नमस्ते डॉक्टर साहब। मेरी नींद खराब करके तुम आराम से सो रहे हो? मैं जाग रहा हूँ साहब, हमारी शादी हुई है और हमारी बर्बादी। अब मैं खोजू, कौन सा घटिया पाइप लगाया तूने? घर तालाब बन गया, तू अभी आ। सुनिए तो सही, हमारा पैसा भी डुबाता है चोर। कल सुबह होने से पहले आपका काम कर दूंगा। चल जा तू निकल के अभी। अबे तब तक तो हम लोग मर जाएंगे डूबकर। आते हो या मैं वहाँ? अभी? अभी? ठीक। आते। या भी। तुम डॉक्टर साहब, पर टेंशन में भूल गया। तुम सोना मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। केला खा लेना, बहुत टेस्टी है। धीरे धीरे खाना, खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा। थम आते, जल्दी आते। लेकिन अरे कहाँ जा रहा है इतनी रात को? नई नवेली दुल्हन को छोड़। आज इस डॉक्टर के ऊपर ही स्कूटर चढ़ा देना। आप भी ना। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे कपड़े उतार दिए, किसी तो मोजड़ी भी भूल गया।
हेलो, किशन बोल रहा हूँ। तू किशन है तो मैं कंस हूँ। अच्छा भाई, हेलो मिश्रा जी, आप हैं क्या? आपकी आवाज क्या हो गई, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। इनके घर में क्या लगाया था? टंकी, पानी की टंकी। जाओ 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 जाओ। पिताजी गुस्से में क्या जवाब दे? अरे बेटा, तुझे इतनी देर कैसे हो गई? पिताजी नमस्ते। पता नहीं कहां से घटिया माल लाता है ये। दिन भर उल्लू बनाता रहता है, छोड़ूंगा नहीं इसको। चालू माल लगाता है, बेवकूफ है ये, लूट रहा है सबको। मैं कह रहा था इससे काम मत करो। ये बार बताते हैं इसे, आने दो इसे। कैसे काम करता है ये, लूट रहा है सबको। अरे फिर पानी बंद हो गया, कैसे काम करता है ये, आने दो इसे। चाय कुछ कहूंगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना। अब तक आपने लोकल और चालू प्रोडक्ट यूज किए, अब ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, मैंने क्या यूज किया, वो तो वो लोग। देखो सही काम करोगे तो हमारे साथ सही ही होगा। मेरे भैया को देखो, वो तो किस्मत वाला है। और किस्मत आपके दरवाजे पे है। अरे भैया प्रणाम भैया। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, पर आपके जीजा जी बहुत परेशान हैं। भैया प्लीज आप ही इन्हें समझाइए ना। टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम आ गए। अरे यार, दो दिन रुक जाते, ऐसी क्या जल्दी थी। अभी अभी तो शादी हुई है, मेहमान आ जा रहे हैं। तुम लोगों को बहुत जल्दी है यार। जीजा जी छोड़िए। अच्छा जीजा जी, एक बात बताइए। हाँ। आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य? सुनो, मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आपकी बहन को रानी बना के रखूंगा। जीजा जी, वो तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये सब होगा कैसे? टेंशन मत लीजिए, ये सब होगा, जरूर होगा, जब काम में विश्वसनीय और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करोगे। मोबाइल दीजिए अपना। क्यों? दीजिए तो सही, आप भी ना सवाल बड़े करते हैं। देखिए, अरे ये तो वेक्टस है, टंकी और पाइप बनाने वाली कंपनी, मैं जानता हूँ। केवल बड़ी नहीं, टेक्नोलॉजी में विश्व की बड़ी कंपनी। 27 सालों का भरोसा है इस कंपनी के साथ। भारत में 14 जगह वेक्टस के प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा? जी हाँ, तभी तो वेक्टस प्रोडक्ट्स यूज करने से मुझे भी इज्जत मिलती है अपने कस्टमर से। मुझे वेक्टस के बारे में और बताना यार, मजा आ रहा है। जीजा जी, वेक्टस कंपनी का लक्ष्य है समाज के लोगों की बेहतरी के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराना। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं क्वालिटी प्लास्टिक से, ना टूटने का खतरा। हाँ। और ना पानी में बदबू। यानी वेक्टस से साफ पानी की एकदम गारंटी। जी हाँ, इनके पास टैंक से लेकर हर तरह के पाइप्स की कंप्लीट रेंज है। अच्छा, मतलब एक ही कंपनी के मटेरियल को लगाना, बाकी 4-6 कंपनियों जो चक्कर लगाने, बिल्कुल खत्म। सही पकड़े हैं आप। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सारे के सारे इंडिया में फैला हुआ है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह वेक्टस अवेलेबल है। जी जी जी। मोबाइल दीजिए, फिर से रख लिया आपने, मोबाइल दीजिए एक बार। लाओ लाओ। अब क्या है? ये जो हमने वेक्टस ऐप डाउनलोड किया है, इसमें इनके एक एक प्रोडक्ट्स की कंप्लीट डिटेल्स है।
समझ लीजिए आप। समझ लिया, अब से तुम्हारे जीजू को गाली नहीं ताली मिलेगी। ए, चलो रे आज पार्टी शाम को दोबारा फिर रखेंगे। अरे चाय तो पी ले, मैं तो एक्साइटमेंट में भूल ही गया। आप भी जीजा जी। अरे वेक्टर्स वाला मामला है ना। पीजिए पीजिए चाय पीजिए। हम तो रात दिन काम कर कर परेशान थे, अब तुमने ये दे दिया है। हुँ? हमारा काम आसान। बस अब दिन ब दिन तरक्की ही तरक्की। अरे रात का काम दिन में मत कर। एक खुशखबरी है बापू। हाँ। अरे इतनी जल्दी? आप भी ना। माँ ने आपके लिए भेजे हैं मोतीचूर के लड्डू। अच्छा, माँ ने तुम्हें भी तो भेजा मेरे लिए। हाँ। अच्छा भैया ने आपको क्या क्या समझाया? अरे पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है। क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली हम प्लम्बर लोग हैं ना। हाँ। हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ प्लम्बर बचा सकता है। वो कैसे? दुनिया बगैर पानी के चल सकती है क्या? नहीं। यानी जल ही जीवन है। हाँ। और बेकार का प्रोडक्ट यूज करने से ये जल खराब हो जाता है, यानी जीवन खराब हो जाता है। तो फिर इस दुनिया को कौन बचा सकता है? आप। प्लम्बर्स। तो फिर आज से वेक्टर्स यूज करोगे? आज से वेक्टर्स, कसम से। अब ना छोड़ेंगे तुम्हें भी कसम से।